शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़िता का परिवार अब इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही, जिस वजह से गुनहगारों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कार्रवाई जा हम बैठे हैं कि सबका पकड़नो चाहिए चारों मुलजिम। हम जब जाए घर हमें उल्टो सताओ जाए जे लोग, इन्हें हमारी इज्जत हमला करो और मेरे घर माँ घूमत हमारे जो मर्जी हो वो तोड़ फोड़ डालती हमें और हमें सताओ। हमारे घर वाले कोई है ना है भाई, कौम खानदान उनके डर के मारे में कोई बचाओ ना ही जाए। हमें गिरफ्तार चाहिए है ना कार्रवाई भाई, हम ही नहीं बैठे रही। कार्रवाई कैसे ना हुई यहाँ से ना हुई ऊपर से हुई कहूँ से हुई वो कार्रवाई कैसे ना हुई। हम जेबे ना करी ही नहीं रही, देखे में का खबर ही पहने ही का करी अपने बच्चों ही नहीं लिये। इमरान और शोएब गुड्डू गफ्फार जे लोग हमें ले गए, मेरे जे लोग हमें ले गए 13 रखे ले ले घूमते रहे सब और जे 13 ले गए और हमें नाम बकरा में को इब्राहिम की दमान देखिया। अब मेरे संग चारों लोगों ने गलत काम करो। फिर 25 तारीख आई फिर हम देखो चुपके दिवाचिया कि वाड़े में खुले मिले। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब आए दिन वो लड़की के परिवार को धमकाते रहते हैं। घटना तिरहट थाना क्षेत्र की है जहां पर पीड़िता के परिवार ने 11 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और बाकियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।